नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में बच्चों खबरों की। भारत ने श्रीलंका को आपूर्ति की गई वस्तुओं की दी जानकारी, क्रेडिट लाइन के तहत वाटर कैनन वाहन देने का किया खंडन। मुख्य न्यायाधीश ने डॉक्टरों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने पर व्यक्त की गंभीर चिंता, कहा चिकित्सकों को सुरक्षित माहौल की जरूरत। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर मिला खालिस्तानी झंडा, पुलिस बोली पंजाब के टूरिस्ट का हो सकता है हाथ। झांसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर दोबारा नहीं लगने पाए। भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की तेजिंदर बग्गा से मुलाकात, कहा झूठे मामले दर्ज करने की आपकी रणनीति के खिलाफ लड़ेंगे। 2024 को लक्ष्य बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने पकड़ी रफ्तार, मुख्यमंत्री ने शुरू की मंडलवार समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जनता ने सपा को बहुत वोट देकर जिताया लेकिन सिस्टम ने बेईमानी से भाजपा को जिताया। मेहरौनी थाने में महिला के उत्पीड़न पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव और डीजीपी को ललितपुर की घटना पर नोटिस। यूपी सरकार राजस्व में वृद्धि को लेकर उत्साहित, अप्रैल में पिछले साल की तुलना में कई करोड़ की हुई वृद्धि। यूपी में अब 5 साल की एसीआर से प्रमोशन का आधार, अंतिम 3 साल में 12 महीने से ज्यादा की एसीआर अपूर्ण होने पर टलेगा चयन। न्यू मैक्सिको के जंगल में लगी आग से नरक हो सकता है लोगों का जीवन, तेज हवा से बढ़ी सभी की मुश्किलें। सुअर का दिल ट्रांसप्लांट के बाद युवक की मौत का खुला रहस्य, विशेषज्ञों के मुताबिक पोर्सिन वायरस के चलते हुई मरीज की मौत। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने बड़े हमले किए, अमेरिकी और यूरोपीय देशों के हथियारों का भंडार नष्ट। अलकायदा प्रमुख अल जवाहरी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शनों के बाद सांसद रंजीत ने दोबारा डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा देने का लिया फैसला। बेन स्टोक्स ने बताई अपनी टीम की रूपरेखा, रूट के बल्लेबाजी क्रम को लेकर किया बड़ा खुलासा। काउंटी क्रिकेट को लेकर भिड़े दो दिग्गज, बेन स्टोक्स की विस्फोटक पारी के बाद गेंदबाजी पर उठाए सवाल। ऑरेंज कैप की सूची में बटलर और राहुल का एक दूसरे को पीछे करने की होड़, नंबर 1 पर बरकरार है बटलर। पंजाब के खिलाफ बटलर ने रचा इतिहास, कोहली गेल और वार्नर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की। केएल राहुल हुए डायमंड डंग पर आउट, गौतम गंभीर के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की। रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र ने रिलीज के पहले बनाया रिकॉर्ड, मिला इतिहास रचाने वाली पहली भारतीय फिल्म का किताब। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद में कूदे सोनू सूद, बोले लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने जीता रियलिटी शो लॉकअप, मिले 20 लाख रुपए और गाड़ी। करीना कपूर को बॉडी शेम करने पर ट्रोल हो रही
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा मानी, लोग बोले इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। आयुष्मान खुराना का बयान, कहा फिल्मों से भारत को एकजुट करने की कोशिश की। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।